नमस्ते एवरीवन, अ वेरी हैप्पी मंडे टू ऑल ऑफ यू। तो लास्ट टाइम हमने आपसे क्या बात करी, हीलिंग ऑफ द माइंड। तो आई हैव पोस्टेड टू वीडियोस, द पार्ट वन द पार्ट टू। तो इन विच आई हैव एक्सप्लेन हाउ टू हील द माइंड बाय प्रेयर एंड बाय काउंसलिंग योर सेल्फ और बाय चेंजिंग योर बिहेवियर और बाय इंगेजिंग इन सम वर्क। और आई प्रपोज टू two types of meditation, static and the dynamic. And third one, healing, I told you about the healing through the music or through the bhajan or through the kirtan or by listening the good quality songs. My today's video is based on how to heal the mind of each other. Each other means between the two souls. If I'm doing the one thing for one soul, the other soul also know that why I did. Because soul is able to know everything. Because soul is like an energy. Energy is like a light. And light travels with the velocity of light. So, ye, when we do for something for somebody or someone, then this is called the giving. And as the other soul receive that, so he has to return that. This is a basic principle or this is a divine law. तो इसको आज मैं थोड़ा अपनी कुछ examples के through आपको explain करूँगी, जो मेरे अपने खुद के लाइफ के एग्जांपल्स हैं। तो आई कैन एक्सप्लेन वेल विद द हेल्प ऑफ दैट एग्जांपल। तो अभी देखिए, हमें पता ही है कि हम जो देते हैं हमें वो वापस में मिलता ही है, ये तो फैक्ट है, ये हम सभी जानते हैं। तो कहा जाता है जितना अच्छे से अच्छा दीजिए आपको उतना अच्छा ही मिलेगा। लेकिन जो एक हिडन फैक्ट है, जो एक जो यूनिवर्स जो उस हिडन फैक्ट से जो चल रहा है, वो बहुत ही कम लोगों को पता है। और व्हेन आई स्टार्ट टू कोरिलेट, व्हेन आई स्टार्ट टू रियलाइज कि हाउ थिंग्स आर गोइंग ऑन, देन हाँ वी विल एबल टू अंडरस्टैंड कि भाई कैसे क्या हो रहा है। तो इसको समझना पड़ता है, इसको ऑब्जर्व करना पड़ता है और देखना पड़ता है कि ये ऐसा क्या है। तो एग्जैक्टली क्या ये सही है या इसमें कुछ और रीजंस है, तो ये हमको टाइम टू टाइम हमें पता चलता रहता है कि किस तरह से जीवन में किस तरह से घटनाएं जो है वो घटित हो रही हैं। तो अभी हम हीलिंग ऑफ द माइंड पे कुछ बातें करेंगे। सपोज दैट द वन सोल इज अनअवेयर ऑफ द थिंग्स, लाइक लैक ऑफ नॉलेज, लैक ऑफ थिंग्स। आज क्या है कि कुछ लोगों को कुछ बातें पता ही नहीं होती हैं, तो दैट्स वाई अवेयरनेस प्रोग्राम्स मस्ट बी देयर। तो अवेयरनेस इन द कॉन्शियसनेस हाउ वर्क, तो दैट इज़ इम्पॉर्टेंट कि हमें जो है पता होना चाहिए कि कब क्या कैसे होना है। तो टुडे आई विल टॉक अबाउट द अवेयरनेस एंड द कॉन्शियसनेस। तो व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन द अवेयरनेस एंड द कॉन्शियसनेस।
तो हमें अवेयरनेस क्या है कि आई नो अबाउट दिस रूम, मैं इस घर के बारे में जानती हूँ, या कहाँ पे क्या है क्या नहीं है. इफ आई एम टॉकिंग अबाउट वन प्रिंसिपल दैट इज अ डिवाइन लॉ, तो वॉट इज डिवाइन लॉ, आई एम अवेयर ऑफ दैट डिवाइन लॉ, राइट. उसी तरह से अब हम इसको एक अनदर एग्जाम्पल से समझेंगे कि सपोज दैट आपके अवेयरनेस है ही नहीं कुछ भी. तो आप जैसे आप ले लीजिए कि आज की जो जनरेशन है, वॉट आई एम ऑब्जर्विंग, कि मैं यूजली ऑब्जर्व करती हूँ कि जैसे एक छोटा बच्चा है वो बैठा हुआ है घर पे और वो अपना कुछ लैपटॉप पे काम कर रहा है, कंप्यूटर पे काम कर रहा है, उसको पता ही नहीं है कि अगल बगल क्या हो रहा है, सोसाइटी में क्या हो रहा है. तो अवेयरनेस क्या है कि अभी जो है बहुत कम है, या आप कह सकते हैं कि उसके पास कुछ भी नॉलेज नहीं है कि कैसे क्या क्या बातें होती हैं. तो कॉन्शियसनेस वर्क ऑफ इट्स ओन, तो कॉन्शियसनेस कैसे कार्य करती है, यू कांट इमेजिन दैट. हमें लगता है इट इज़ ए प्री प्लान, नो इट इज़ नॉट ए प्री प्लान. तो ये प्री प्लान नहीं होता है, ये यहाँ पे कॉन्शियसनेस अपने आप से वर्क करती है. और किस तरह करेगी, वेन स्टार्ट ऑब्जर्विंग, इट्स अ रियली मिरेकुलस, मिरेकुलस इट्स अ रियली सरप्राइजिंग, कि कुछ समझ ही नहीं आ रहा था, हाउ हाउ इट्स वर्किंग, हाउ इट्स गोइंग ऑन, कैसे है. तो अभी हम नेक्स्ट जो है अवेयरनेस और कॉन्शियसनेस को कोरिलेट करेंगे वेरियस डिसीजेस से इन नेक्स्ट वीडियो में, बट अभी सफिशियंट, इट्स अ वेरी लिटिल इन्फॉर्मेशन हियर, तो आई विल डिस्क्राइब मोर इन इन द नेक्स्ट वीडियो. तो अभी हम बात कर रहे हैं कि अवेयरनेस और कॉन्शियसनेस की. तो कहते हैं कि माँ बेटे का या माँ उसकी संतान का एक अटूट बंधन होता है, एक एक अनोखा रिश्ता होता है जिसको समझ पाना जो है बहुत मुश्किल होता है. और मैंने ये है कि जैसे होता है ना कि पितर पक्ष होते हैं या इस टाइप से हैं, तो जब आप वेरियस इनकारनेशन की हर प्रकार के जीव की बात करेंगे, तो ये शिव महापुराण में भी लिखा गया है कि हर पशु पक्षी की उत्पत्ति कैसे होती है. तो जो पशु पक्षी की उत्पत्ति उसके पीछे कारण है. अब जो है, अब जैसे पितृ होते हैं तो यूजली क्या कि जैसे हम सांस ले रहे हैं, तो व्हेन वी आर एक्सहेलिंग तो एक जीव उत्पन्न हो रहा है. तो जिस तरह का हमारा विचार है उस तरह से हमारा इस संसार में जीवों की उत्पत्ति होती है. लेकिन ऐसा कहा जाता है कि जो पितृ होते हैं वो हमारी संतान के रूप में उत्पन्न होते हैं, या आप कह सकते हो कि हमारी जो पास्ट इनकारनेशन में कुछ ऐसे रिलेशनशिप थी जहाँ पे वी हैव सम प्रॉब्लम, तो वो हमारे ही घर के सदस्य बन के हमारे साथ जीवन बिताने के लिए फिर से इनकारनेट होते हैं. तो आप इसको पितृ कह सकते हैं कि जो हमारे जैसे पितर पक्ष में होता है ना कि हम उनको खिलाते हैं, दान करते हैं, कौओं को खिलाते हैं, पशु पक्षियों, कुत्ते को खिलाते हैं, गाय को खिलाते हैं, तो इससे जो है वो शांति मिलती है. तो इसी से पितृदेव हमारे शांत होते हैं. तो यूजली यही होता है कि किसी भी परिवार में जो जन्म हो रहे हैं वो दूसरे प्रकार के हैं. अब ये हमारा शरीर ही जो पूरा है एक सिस्टम है, इस सिस्टम में कहाँ से क्या हो रहा है, यू कांट इमेजिन दैट. तो मैं वन बाय वन जो है वीडियोस पोस्ट करूंगी और आप सभी को सभी वीडियोस देखने हैं. इट्स लाइक अ सीरीज, तो उसमें एक वीडियो प्रीवियस वीडियो से रिलेटेड है और इससे आपको सारी बातें आपसे कनेक्ट हो जाएंगी और एक सीक्वेंस बन जाएगा, देन यू विल बी एबल टू अंडरस्टैंड मोर एंड मोर. तो आप सभी लोग जो है सारे वीडियोज को देखिए, लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए और कमेंट भी पोस्ट करिए. और जहाँ पे आपको कोई कंफ्यूजन हो, जहाँ पे कोई प्रॉब्लम हो, तो यू कैन आस्क एंड यू कैन ईमेल टू मी. अवेयरनेस प्रोग्राम क्या था, अवेयरनेस प्रोग्राम में डिफरेंट एडवर्टीजमेंट्स आते हैं, हम न्यूज़पेपर में पढ़ते हैं, तो हमें सारी बातों की ज्ञान होता है कि समाज में क्या चल रहा है. या हमें जो बुकिश लैंग्वेज है, यदि हम स्कूल कॉलेजेस में जा रहे हैं तो वहाँ जो हम सब्जेक्ट सब्जेक्ट्स हैं हमारे, तो उनसे जो हमें ज्ञान प्राप्त होता है, तो उससे हमें पता लगता है कि कहाँ पे क्या प्रॉब्लम है. और उससे हमें पता लगता है कि हमारी लाइफ में क्या इवेंट्स हो रहे हैं, उसको हम किस तरह समझ सकते हैं. तो हमारी जो डिफरेंट सब्जेक्ट्स है उसके थ्रू हमें अपने बॉडी सिस्टम के बारे में सारी बातें पता लगती हैं. बट मुझे ऐसा लगता था कि इग्नोरेंस इज ब्लिस, बट आई वॉन्ट टू से टूडे दैट कि एवरी चाइल्ड और एवरी चिल्ड्रन और एवरी बॉय एंड गर्ल एंड एवरी मैन एंड वुमेन मस्ट हैव अ नॉलेज, ऑल काइंड्स ऑफ नॉलेज दैट विल बी गुड फॉर देयर लाइफ.
तो ये इन बातों का ज्ञान होने से आपको क्या है कि आप में समझ आ जाती है, और समझ होने के साथ जो है वो आपकी काफ़ी बातें जो है बिल्कुल सही डायरेक्शन में चलती हैं। तो अभी हम इसको थोड़ा सा इस तरह से समझेंगे कि ऑलरेडी मैं आपसे एक कैटालिसिस ऑफ रिएक्शन के बारे में बात कर चुकी हूँ रिपब्लिक डे पे, कि हाउ टू कैटलाइज अ रिएक्शन एंड ऑल। तो आज जो है थोड़ा मैं अपने बच्चों के बारे में बात करूंगी, अनंत और आकाश के बारे में। तो देखिए अभी अनंत जो है उसको कुछ बातें नहीं मालूम है, आकाश को भी कुछ बातें नहीं मालूम है। तो आकाश एंड अनंत इज इन अ फिजिकल बॉडी, बट देयर सोल नो एवरीथिंग। बट द फिजिकल बॉडी हैज़ अ ब्रेन एंड द सोल हैज़ अ माइंड, बट देर इज अ ब्रिज बिटवीन द ब्रेन एंड द माइंड। तो वी रिसीव द वाइब्रेशन थ्रू द ब्रेन फ्रॉम द माइंड, दैट इज अ सोल प्रॉपर्टी थ्रू द फिजिकल बॉडी। तो हमें इस तरह से हम इसको समझ सकते हैं। तो अभी क्या है कि सपोज यू आर अ प्रेग्नेंट, राइट? तो उसमें जो है आपके एक बच्चा जो है डेवलप हो रहा होता, तो कहते हैं कि 4 महीने के बाद जो है सम एक्टिविटीज स्टार्टेड, एंड जो भी माँ सोचती है वो सब बच्चों को पता लग जाता है। जो भी माँ के सराउंडिंग एनवायरनमेंट में होता है तो वो सारी बातें जो है बच्चे को पता लग जाती हैं। तो इट्स रियली ट्रू, तो ऐसा होता है। तो यही होता है कि अब जो भी लड़की है या जो भी विवाहित स्त्री है वो फर्स्ट टाइम जब बच्चे को पैदा कर रही है तो उसको कुछ नॉलेज नहीं होता है कि भाई कैसे क्या होता है। तो हमारे जो घर के बड़े होते हैं वो सब जो है आपको बताते हैं, गाइडलाइंस देते हैं, आपके डॉक्टर्स आपको बताते हैं, सारी चीज़ों का सजेशंस देते हैं। तो ये सब बातें बहुत इंपॉर्टेंट होती है, और माँ हमेशा ट्राई टू प्रोटेक्ट देयर चिल्ड्रंस, कि इसको कैसे प्रोटेक्शन देनी है। तो ये सब बातों का जो है बहुत ही मीनिंग होता है, और बच्चे इन सब बातों को बहुत ही समझते हैं। तो आज का मेरा कवर पेज पे मैंने लिखा है गिवन एंड द टेकन पॉलिसी। तो आप इसको कह सकते हैं कि किस तरह से हम देते हैं और किस तरह से हमें वापस मिलता है। तो अभी देर इज अ टू काइंड ऑफ डिलीवरी, द नॉर्मल एंड द सिजीरियन। तो मैं वाई आई एम टॉकिंग दिस एक्चुअली टुडे, बिकॉज इस टॉपिक पे कोई ज़्यादा बात नहीं करता है। आई थिंक वी मस्ट टॉक ऑन दिस टॉपिक, क्योंकि मुझे लगता है कि मेरे अंदर बहुत ही लैक ऑफ नॉलेज है, मुझे ज़्यादा चीज़ें पता नहीं थी। हमेशा भी किताबों में लगे रहने से अच्छा है कि दुनिया में क्या हो रहा है वी मस्ट नो। दुनिया में सारी चीज़ों की हमें पता होना चाहिए कि कैसे क्या बातें हो रही हैं, तो ये आपके लिए बहुत अच्छा होता है। तो हमें लगता है कि आज हमें बच्चों को सब चीज़ें बता देनी चाहिए और सब ये होना चाहिए, तो जैसे बच्चे जो है वो उनको सारी चीज सारी बातों की समझ हो, तो ये बहुत अच्छा रहता है। क्योंकि जब जब आपके पास समझ नहीं होती ना, तो वहाँ पे लोग आपको एक्सप्लॉइट भी कर सकते हैं, और आपको कुछ समझ नहीं आ रहा होता, बट बैक ऑफ द माइंड जो है वो सोल को पता होता है। वो सोल को कुछ समझ नहीं आ रहा होता, वो अनकम्फर्ट सा हो रहा होता है या कुछ अनईजी सा हो रहा होता है, और वो लेकिन बट सोल नो एवरीथिंग एक्चुअली, बट द फिजिकल बॉडी और जो ब्रेन जो है उसको समझ नहीं पा रहा होता है, बट आफ्टर सम टाइम जो है वो समझ में आ जाता है सारी चीज़ें। तो अभी हम सिर्फ सिंपल सा कुछ थोड़ी सी बातें करेंगे आपको गिवन एंड टेकन के बारे में बताने के लिए, कि आप सपोज दैट नॉर्मल डिलीवरी होती है। अब नॉर्मल डिलीवरी देखिए, कभी तो फर्स्ट टाइम जब कोई कर रहा है तो उसे पता ही नहीं कैसे क्या होता है कि भाई कैसे होता है। अब जो भी डॉक्टर एंड नर्सेज हैं जो है लेबर रूम में जो कहते हैं वो इंसान करता है, तो वो करना ही होता है। तो हर जगह देखिए संशय और आपका टेस्टिंग चलती रहती है। अब हमें पता तो होता ही नहीं कि कैसे क्या करना होता है। तो मैंने जो है आज मैं कुछ ऐसी बातें आपसे शेयर करना चाहती हूँ। तो अब सब सपोज दैट आपकी आपने पहले आप जाते हैं डॉक्टर से बातचीत करते हैं, तो सब कुछ डिफाइन हो जाता है कि कब होना है, एक्सपेक्टेड डेट क्या होती है, तो ये बता दिया जाता है और कहा जाता है कि इस टाइम पे ऐसे होगा, और क्या मोड ऑफ ऑपरेशन होगा, कि आपको सिजीरियन होगा कि नॉर्मल होगा, इस तरह से होता है। तो वी नो दैट, अब वो जैसे ही 9 महीने होते हैं तो हम वी आर वेटिंग फॉर दैट, फिर वो लेबर पेन उठता है तो हम डॉक्टर के पास जाते हैं, इस तरह से होता है। तो मैं आज ऐसे ही बताना चाहती हूँ कि मेरा अनंत जो है 27 जनवरी को हुआ था, तो 26 जो है 26 जनवरी थी छुट्टी थी,
तो दैट वाज अ हॉलीडे, तो वहाँ पे जो है मुझे जैसे इवनिंग में जैसे लेबर पेन हुआ, तो मुझे मैंने फिर घर में बताया सबको, तो उसके बाद जो है हम डॉक्टर के आगे, आप देखिए उस दिन छुट्टी का दिन है, सारे हॉस्पिटल में इतना कोई था भी नहीं, तो वो बहुत मुश्किल हो जाता है। और मेरे हस्बैंड जो है उस वक्त जो है पोस्ट डॉक कर रहे थे, तो वो बाहर थे, तो मैं अपने ससुराल में ही थी, तो वहाँ पे जो है मेरे ब्रदर इन लॉ और मेरी जो है मदर इन लॉ सब लोग हमको लेके गए इस तरह से। तो वही होता है कि वहाँ पे जो है आपकी नर्सेज हैं, आपके डॉक्टर्स जो हैं, आपको उनको कॉपरेट करना चाहिए कि कैसे जो है जो है, क्योंकि हम तो बिल्कुल नए हैं, हमें कुछ पता नहीं है, हमें कुछ समझ नहीं आ रहा होता कि हम क्या करें, तो हमें इन सब बातों पे जो है तो ये होता है, डॉक्टर एंड द नर्सेज मस्ट असिस्ट द पर्सन हु आर डिलीवरिंग द फर्स्ट टाइम द बेबी, तो शी डोंट नो अबाउट द थिंग्स की हाउ टू डू दैट। तब वही होता है, अब कुछ लोगों को जैसे जैसे मुझे क्या दर्द बहुत होता है, जैसे हल्का सा भी कट जाए या कुछ हो जाए तो मुझे बहुत ज़्यादा दर्द होता है, तो मैं एक्चुअली दर्द बिल्कुल बर्दाश्त नहीं कर पाती हूँ, ये मेरा थोड़ा बचपन से ही है। सपोज एक छोटा सा, वैसे मुझे कभी मेरे स्किन पे मेरे चेहरे पे कभी एक दाना नहीं निकला, दाना क्या कहते हैं ना कुछ मुँह चेहरे पे आ जाता है, तो इट नेवर हैपेंड, तो मेरा स्किन बहुत ही क्लियर, आई एम सो मच ब्लेस्ड कि मुझे कभी ऐसा कुछ हुआ नहीं और मेरा स्किन बिल्कुल क्लियर ही रहता है बचपन से मेरा ऐसा है। लेकिन कभी कुछ हल्का सा कुछ हो जाए, कुछ हल्का सा, तो मुझे पेन बहुत ज़्यादा होता है। तो अभी क्या होता है कि हम हॉस्पिटल में जाते हैं, जैसे जैसे वो लोग कहते हैं भाई हम लोग उस पर कॉपरेट करते हैं, और अब उसमें हमारे कुछ डाउट्स भी होते हैं कि व्हाई शी इज़ डूइंग लाइक दैट, डॉक्टर ऐसे क्यों कह रहा है, नर्स ऐसे क्यों कह रहा है, इसलिए ऐसा होता है क्योंकि ऑलरेडी हम पढ़ाई करके आए होते हैं, तो हमें कुछ बातों की नॉलेज होती है, हमारे बैक ऑफ द माइंड जो है कुछ चीज़ें रहती हैं, तो हम सोचते हैं कि डॉक्टर ऐसे क्यों कर रहा है, हमने तो ऐसे पढ़ा था, डॉक्टर ऐसे क्यों कर रहा है, हमने तो ऐसे पढ़ा था, या इस टाइप से कुछ इस टाइप से होता है। तो वही है कि अब देखिए नॉर्मल डिलीवरी में कितना कुछ होता है, तब जो है अब जैसे डॉक्टर कहता है कि जैसे कॉन्स्टिपेशन की बात करते हैं, तो कॉन्स्टिपेशन में कहते हैं कि आपको जब यू यू वांट टू रिलीज द फीकल मैटर, तो आपको ऐसे बोलना ऐसे करके करना है, तो डॉक्टर जो है बोलता है कि आपको ऐसे करना है तब बच्चा यू कैन डिलीवर द चाइल्ड। तो नॉर्मल डिलीवरी में यूजली ऐसे ही होता है। अब देखिए वहाँ पे लोग क्या क्या करते हैं, तो दे वॉन्ट टू पुश द चाइल्ड, तो वो ऐसे प्रेशर डाल रहे हैं, प्रेशर डाल रहे हैं स्टमक पे कि दे कैन पुश, बट आई 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 थिंक कि वो जो फ्लूड होता है फ्लूड के थ्रू बच्चा विल कम आउट, एंड द फ्लूड इज नॉट देयर तो इट विल बी वेरी डिफिकल्ट टू फॉर द बेबी टू कम आउट थ्रू द नॉर्मल डिलीवरी, तो आई थिंक दिस इज लाइक दैट। तो अब डॉक्टर नहीं आ रहा है या लेट हो गया डॉक्टर को आने में, तो यूजली हम जैसे उतर आते हैं बहुत सुबह मॉर्निंग में है, अब द मदर इज़ फीलिंग कि भाई देर इज अ समथिंग फ्लोइंग फ्लूड लाइक दैट बिकॉज द बेबी इज अनट्रैप्ड इनसाइड द फ्लूड एंड ऑल, तो वो होता है, तो फिर तो फ्लूड इज लाइक अ लुब्रिकेंट ऑफ और द सर्वाइवल फ्लूड फॉर द बेबी एंड ऑल, और इसमें जो है उसी के थ्रू जो है इट इज़ लाइक ए प्रोटेक्टिंग शीट अराउंड द बेबी, आई थिंक मुझे, मैं ऐसे डिफाइन कर रही हूँ कि मुझे ऐसे डिफाइन करना है, तो मैं इस तरह से डिफाइन करना चाह रही हूँ। तो मुझे लगता है कि यदि फ्लूड यदि आपका फ्लो हो गया और आपने राइट टाइम पे डिलीवरी नहीं हुई, तो मुझे लगता है कि वो इट विल बी वेरी डिफिकल्ट टू डिलीवर द चाइल्ड। अब वो अब फ्लूड निकल गया है और जो है आप यदि उसको बच्चे को वो कर रहे हैं, तो देर इज़ अ पुश एंड बैक इफेक्ट कि भाई आप पुश एंड बैक करेंगे तब बच्चा बाहर निकलेगा, तो इट इज़ वेरी पेनफुल एंड ऑल, तो इफ़ यू आर कोऑपरेटिंग इट इज़ गुड, इफ़ यू आर नॉट कोऑपरेटिंग बट इट चाइल्ड इज़ वेरी डेलिकेट इनसाइड द यूटेरस एंड ऑल, इफ़ यू विल डू लाइक दिस जर्क एंड ऑल, तो आई थिंक द बच्चे को दिक्कत हो सकता है। अब देखिए जो नॉर्मल में भी यूजली यही कहता है, कहा जाता है कि वो बच्चा जो होता है हेड के थ्रू जो है वो बाहर निकलता है, तो इट इज़ क्वाइट पेनफुल, और लेकिन हमने पढ़ा हुआ है कि ड्यूरिंग द डिलीवरी डिफरेंट काइंड्स ऑफ हारमोन्स आर सिक्रिएटेड, तो वो जो प्यूबिस सिम्फाइसिस होती है तो इट बिकम्स इलास्टिक एंड ऑल, इट एक्सपेंड एंड ईजली डिलीवर हो जाता है, तो कुछ हारमोन्स हैं हमारे प्रोजेस्टेरॉन ये सारे हमने पढ़े हुए हैं, तो वो सारा इट क्वाइट हेल्पफुल फॉर एट दैट टाइम, तो इट विल बी नॉट अ टफ एट दैट टाइम, तो ये होता है। बट कुछ देयर इज सम प्रॉब्लम एंड ऑल, तो कुछ बातें ऐसे होती हैं, तो अब जो है अब जैसे इफ़ यू आर यदि
there is some difficulty in the delivery and all, तो मदर सजेस्ट डॉक्टर कि आप इसको किसी तरह से कुछ करिए, कट करिए या कुछ करिए, तो वो जो है द बेबी विल कम आउट दैट। तो आप देखिए यहाँ कट कब आता है, ठीक है। अभी सपोज दैट ये स्किन है हमारी, यदि इसको हम ड्राई छोड़ दें, ड्राई हम छोड़ दें काफ़ी दिन तक, तो ये स्किन ड्राई होने तो कुछ मॉइस्चर लगाना पड़ता है। तो हम पानी पीते हैं, हमारी बॉडी में सारे विटामिन बैलेंस हैं, सब कुछ बैलेंस है, तो हमारा स्किन जो है बहुत ही ग्लो करेगा, बहुत ही शाइन करेगा, ड्राइनेस नहीं रहेगी। यदि बहुत आप पानी का काम कर रहे हैं या आप बहुत ज़्यादा सोप वगैरह यूज़ कर रहे हैं, तो इट विल अफेक्ट द स्किन, तो धीमे धीमे ड्राइनेस आती है। तो ड्राइनेस से क्या होता है, ये जो हमारा सरफेस है ये रक्चर हो जाता है, रक्चर से क्या होता है, ब्लीड ब्लीड करता है। तो उसी प्रकार से ही है कि जो है तो 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 बच्चा जो है जब एज बेबी कम आउट एट दैट टाइम, तो जैसे क्या हेड 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 जैसे बाहर निकलता है, तो देखिए इट इज़ माय अंडरस्टैंडिंग, तो जैसे वो बाहर निकलता है ही टेक्स ऑक्सीजन फ्रॉम द एयर, और इन बिटवीन दैट यदि हेड और बॉडी को निकलने में थोड़ा सा टाइम हो गया, तो देर इज़ अ लैक ऑफ द ऑक्सीजन, तो ऑक्सीजन डिप्लीशन या कह सकते ऑक्सीजन जैसे डिप्राइव करेगी, थोड़ा सा कम होगी, तो डैट विल अफेक्ट द ब्रेन। और आपको पता है कि जैसे डिप्रेशन के जो कॉजेज होते हैं वहाँ पे भी यही मेरे आई थिंक कि ऑक्सीजन इज़ वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट फैक्टर फॉर द ब्रेन एक्टिविटी। यदि आपका लैक ऑफ ऑक्सीजन, यदि ब्रेन में यदि कुछ टाइम के लिए आपका ऑक्सीजन सप्लाई रुक जाए या ऑक्सीजन कुछ हो जाए, तो इट विल कैन कॉज अ मैनी अफेक्ट इन साइड द ब्रेन। तो आपका अब सपोज दैट आई एम इनहेलिंग एंड द एक्सहेलिंग एंड द फॉर द फ्यू टाइम्स जो है हम उसको थोड़ा सा पॉज देते हैं सो दैट द एयर कैन बी सर्कुलेट द ऑल ऑल द बॉडी पार्ट्स। तो हम इस तरह से बताते हैं। तो मुझे लगता है कि मतलब जैसे अब आनंद था, उसका जैसे हेड बाहर आया, तो इट वॉज़ टेकिंग टाइम टू डिलीवर, तो फिर देन आई सेड कि भाई आप किसी तरह से कुछ भी करिए और बच्चे को सेफली बचा लीजिए। तो वो होता है कि दे सम डू सम कट एंड ऑल, तो उससे बच्चा जो है सेफली बाहर आता है। और फिर वही होता है ना कि बच्चे जब स्टार्ट क्राइंग, तो क्या होता है कि बच्चे का जैसे रोना शुरू करता है तो हमें लगता है सब एवरीथिंग इज़ ऑल राइट, तो नर्स जो टैपिंग करती है, टैपिंग बैक पे जो है उसको टैप करती है, तो उससे ये सारी बातें पता लग जाती है। तो बट वॉट आई एम ऑब्जर्विंग कि जो बच्चे छोटे होते हैं तो वहाँ पे यदि ऑक्सीजन सप्लाई थोड़ी सी कम हो जाए तो उनकी ब्रेन को बहुत अफेक्ट पड़ता है। तो ड्यूरिंग द डिलीवरी दे शुड बी वेरी कॉशियस एंड ऑल कि होता है। अब वहाँ पे जो है नर्सेज हैं, डॉक्टर हैं, बट उनका तो ये डेली का काम होता है, तो दे नो आई थिंक ऑल दिस थिंग, उनको वही सब बारे बातें पता होनी चाहिए। बट एक जो माँ होती है उसको हमेशा यही चिंता होती है कि अपने बच्चे की चिंता होती है कि कैसे अपने बच्चे को बचाना है। तो अभी मैंने ये आपको बताया कि भाई एक छोटा सा कट लगा के थोड़ा सा एक्सपेंड कर दें, या कोई हार्मोन नहीं सिक्रीट हो रहा है, या कुछ है एनी प्रॉब्लम, या फ्लूड पहले ही फ्लो हो गया, डॉक्टर हैज़ नॉट कम एट राइट टाइम, तो वहाँ पे कुछ आपका बच्चा नहीं, तो वो फ्लो जैसे जैसे ब्लड फ्लो होता है तो बच्चा भी उससे बाहर आ रहा होता है। अब फ्लूड निकल आया, फिर वो ऐसे कुछ रहेगा, कुछ होगा, कुछ इस टाइप से कुछ चीज़ें होती है, मेरे बैक ऑफ द माइंड इस तरह से रहता है। तो ये मैं आज क्यों बता रही हूँ, कि मैं इसलिए बता रही हूँ कि जैसे आजकल यूट्यूब पर डिफरेंट वीडियोज़ अवेलेबल हैं, आप देखिए हार्ट सर्जरी कैसे हो रही है, आपकी ब्रेन सर्जरी कैसे हो रही है, सिंपल सिंपल आपका नी प्लांट है, ये सब वीडियोज़ आर अवेलेबल। तो मुझे लगता है कि ये सब भी वीडियोज़ अवेलेबल होने चाहिए, वो भी ट्रू एंड परफेक्ट होने चाहिए, लोगों को अवेयरनेस फैलाने के लिए, लोगों को बताने के लिए कि बिफोर दैट जो है जो भी जो लेडी है, जो भी वुमेन है, जो भी जा रही है, उसको नॉलेज नहीं है, तो शी मस्ट हैव अ प्रीवियस नॉलेज सो दैट शी कैन कॉपरेट वेल एंड शी कैन डू द थिंग्स राइटली। तो दिस इज़ माई इंटेंशन टू टेल एट दिस मोमेंट, ठीक है। तो अभी जस्ट मैं ऐसे आपको बताना चाह रही हूँ कि जो मेरी माई सोल हैड डिसाइडेड टू डिलीवर दिस चाइल्ड थ्रू द कट एंड ऑल, कि भाई सेफली सब कुछ हो जाए जो होता है, तो वही होता है कि आप डॉक्टर्स कहते हैं आप ऐसे करिए, ऐसे आपको डॉक्टर को ऐसे बोलना होता है, इस तरह से है। तो फिर जो है
तो वही होता है, थोड़ा सा लैक ऑफ ऑक्सीजन हो जाए तो बच्चों को प्रॉब्लम करती है। लेकिन धीमे धीमे बच्चा जब छोटा रहता है तो जब वो उसकी एक्टिविटीज हम देखते तो हमें लगता है कुछ है। तो जैसे अनंत थोड़ा सा उदास रहता था, हंसता नहीं था, तो लेकिन थोड़ा सा बड़ा हुआ फिर धीमे धीमे शुरू हुआ, फिर स्कूल जाना शुरू किया, फिर बच्चों के साथ खेला, तो मैंने देखा सब कुछ ठीक हो गया। बट इनिशियली वो थोड़ा सा कम हंसता था, कम मुस्कुराता था, तो मुझे लगता था कहीं कोई ऐसी प्रॉब्लम तो नहीं है या कुछ इस टाइप से। लेकिन अभी बड़ा हो गया, अब तो खूब अच्छे से बातचीत करता है, सब अच्छे से, सब कुछ ठीक ही है। तो मुझे लगता है कि जब जो हेड जैसे ही बाहर आता है और जो फिजिकल एक्टिविटी है, जो उसमें लैग टाइम आ जाए, तो थोड़ा सा मुझे लगता है ब्रेन में कुछ अफेक्ट आता है। तो दिस पॉइंट मस्ट बी नोटेड। तो ये पॉइंट जो है मेरे माइंड में ये है। तो जो है, तो अभी ये मैं आपको बताना चाह रही थी। तो कि यूजली क्या होता है कि सोल इज ट्राइंग टू कम आउट। तो अभी अभी जैसे क्या होता है कि ये डिफरेंट सरफेस पे बॉडी पे है, अब यहाँ से कट हुआ था, यहाँ से ब्लड ऐसे बाहर निकलता है। तो हमेशा जो है, देर इज अ एग्जिट एंड द एंट्रेंस, दो पॉइंट होते हैं, एंट्रेंस के और एग्जिट के होते हैं। तो उसी प्रकार से सोल जो है अपनी बॉडी को जब छोड़ती है तो बॉडी जो है डीजनरेट होगी, तो सोल विल कम आउट। उसी प्रकार से जो है, जब सोल जो है बॉडी फॉर्म में आती है तो वो एक शरीर धारण करती है। तो आप इसको एक तरह से कह सकते हैं, अभी तक हम एनर्जीज की बात कर रहे थे, तो एनर्जीज जो होती है वो फंक्शन उससे कार्य कराती है, क्रियाकलाप कराती हैं। और जो है, जो हमारा जो जैसे कहते हैं ना, हमारी परछाई होती है, हमारा शरीर है हमारी परछाई, इस तरह से होता है। तो अब वही है कि अब देखिए, जैसे अब मेरा आनंद जैसे था, छोटा था, कभी 3 साल का था, तो मैं ऐसी लैब गई हुई थी, मैंने एक मेड रखी हुई थी, उसको अचानक से फोन आया कि आनंद को चोट लग गई। तो मेरे दोनों बच्चों को जो है चोट लगी हुई है, सर पे चोट लगी हुई है, मेरे दोनों बच्चों को लगी हुई है। तो फिर पता लगा, हम भाग के आए तो पता लगा उसको यहाँ पे सर पे जो हल्का, लेकिन आनंद को थोड़ी हल्की सी चोट लगी थी। तो फिर गए हम दूसरे दिन डॉक्टर के यहाँ, स्टिचेस वगैरह लगाई और थोड़ा सा सब कुछ ठीक ही हो गया। तो ये मैं जैसे बताना चाह रही हूँ कि किस तरह से सोल जो है रिटर्न करती है। तो इट वॉज माई इंटेंशन कि ऐसे करिए और फिर बच्चे को सेफली बचाइए। तो इट वॉज माई इंटेंशन, तो आई हैव टेकन डिसीजन। तो उसी तरह से उसको देखो, इसके देखिए सर पे जो है ऐसे करके हुआ, तो आपको देखिए जो आपने दिया वो आपको सोल ने एज रिटर्न दैट कि इस तरह से है। अब इसको हम दूसरे सेकंड एग्जांपल से समझेंगे। अब आई फेस्ड अ लॉट ऑफ प्रॉब्लम्स ड्यूरिंग द नॉर्मल डिलीवरी। तो एज माई आकाश मतलब लाइक इन माई सेकेंड डिलीवरी, तो आई डिसाइडेड फ्रॉम इनसाइड कि गॉड, मेरे आनंद को बहुत प्रॉब्लम हुआ, तो अब की बार जो है मैं यूजली सीजरियन ही कराऊंगी, तो बच्चे को कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। जबकि यूजली होता ये है कि यदि जो है वो बच्चा एंटेंगल है, जो आपका कॉर्ड होता है, तब ये डिसीजन लिया जाता है कि सीजीरियन होगा, या कुछ कॉम्प्लिकेशंस हैं, या ओरिएंटेशन में है आपका कुछ प्रॉब्लम, तो आपका जो अल्ट्रासाउंड होता है उससे आपको पता लग जाता है। तो उस केसेस में जो है हम सीजीरियन कराते हैं। बट मेरा जो है, जो सेकेंड चाइल्ड में कुछ ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं था, एवरीथिंग इज़ ऑल राइट, अल्ट्रासाउंड वॉज वगैरह ऑल ओके, तो वहाँ पे ऐसा कोई पोजीशन का या एंटेंगलमेंट का कोई इशू नहीं था। बट आई डिसाइडेड कि भाई नॉर्मल में बहुत दिक्कत हुई, बच्चों को भी दिक्कत हो रही है, मुझे भी हो रही है, तो इट मस्ट बी ईजिली हो जाए, बहुत ही कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। तो आई हैव टेकन सच काइंड ऑफ डिसीजन एंड आई टोल्ड टू डॉक्टर कि भाई हमें ऐसे ही करना है। बट इंटरनली मेरे मन में ये था कि उसको इस तरह से तकलीफ नहीं होनी चाहिए, वो मैंने किसी को नहीं बताया, और जस्ट मैंने कहा कि ऐसे होना चाहिए। तो वो डॉक्टर हैज़ गिवन अ डेट एंड ऑल, बट कहते हैं ना, गॉड्स डिज़ायर, जब ईश्वर चाहेगा तभी होगा। अब हमारी जैसे कह रहे हैं कि हम 15 को होना है, या हम कह रहे हैं कि सेकेंड को होना है, तो वो 30th को हो गया। तो इट्स ऑलवेज डिपेंड्स अपन द गॉड डिज़ायर। तो जो बच्चे होते हैं वो हमेशा उस ईश्वर की जो है मर्जी से होते हैं। जब आकाश होने वाला था तो मुझे जो है अचानक से पेन हुआ, फिर हम गए, तो अब वही हुआ कि अभी आज जो है सीजीरियन कर देंगे और जो है बेबी हो जाएगा। तो हमने आई हैव टेकन दिस काइंड ऑफ डिसीजन, तो पीसफुली जो है हमारा जो है बच्चा हो गया। ठीक है,
तो लेकिन अब देखिए, जब ड्यूरिंग द प्रेगनेंसी जो है वो माँ कैसे अपने बच्चे को बचाती है, माँ कोशिश करती है कोई भारी सामान ना उठाए, माँ कोशिश करती है कि उसको स्टमक में जर्क ना लगे, ये जब माँ सोती है तो ही शी गिव्स अ प्रोटेक्टिव एनवायरनमेंट टू देयर चाइल्ड, तो द चाइल्ड नो एवरीथिंग, द चाइल्ड सोल नो एवरीथिंग, हाउ माई मदर इज प्रोटेक्टिंग मी, तो द सोल नो एवरीथिंग, तो ये इस तरह से होता है। तो ये बच्चे जो हैं उनको सारी बातें पता होती है। अब जैसे होता है कि आप किस तरह से लेटते हैं, आप कुछ लोग पता लगा ठीक से लेटते हैं तो उससे बच्चों को कंफर्ट रहता है ड्यूरिंग द प्रेगनेंसी। आप 4 महीने हो गए, 6 महीने हो गए, 8 महीने हो गए, तो वी ऑलवेज नीड टू गिव अ कम्फर्ट टू आवर चाइल्ड दैट इज इनसाइड योर यूटेरस। तो वहाँ पे जो है आपको ये सारी बातें होती है कि बच्चों को किसी प्रकार की कोई तकलीफ नहीं होनी चाहिए। तो अब जैसे अब मैं एग्जांपल लेती हूँ कि आकाश जो है पीसफुली हो गया, सब कुछ एवरीथिंग वाज ऑल राइट एंड ऑल, तो हम लोग बहुत ही खुश थे, ये सब कुछ था। लेकिन आकाश को मैंने देखा कि उसके 2 बार चोट लगी, 2 बार जो है उसके सर में प्रॉब्लम आई। और जो है वो जब भी छोटा था तो क्या करता था, गुस्से से आके अपना सिर लेता था, ऐसे जमीन पे मारता था, उसको कुछ भी है ऐसे गुस्सा करता था, मैं क्या कर रही है, अपना सर क्यों कर रहा है ऐसे। तो तब हमने जो है पंडित को दिखाया कि व्हाट इज द प्रॉब्लम एंड ऑल, तो उन्होंने बताया कि आपको जो है कुछ उसको पहनाना पड़ेगा, वो चांद जैसा कुछ होता है, कुछ ऐसी मंगल का कुछ दान करना है, कुछ पूजा करानी है, कुछ इस तरह से जो है पंडित ने बताया। तो हमने वो सब किया, उसको पहनाया, तब वो थोड़ा उसका कम हुआ, वरना वो छोटा था ऐसे बैठता था और फिर ऐसे करता था, ऐसे करता था, हमके क्या हो गया है, इसको चोट ना लग जाए। और इवन कि एक बार जो है आनंद आकाश खेल रहे थे और जो है कुछ ऐसे गाने आने बज रहे थे, बच्चे डांस कर रहे थे, डांस करते करते अचानक से जो है उसको चोट लग गई, तो आकाश के पूरा यहाँ से यहाँ तक पूरा रपच्चर हुआ, पूरा ऐसे पूरा कट लगा, और पूरा जो है उसको हम डॉक्टर के यहाँ लेके गए, पूरा वो उसको जो है एनेस्थीसिया दे के पूरा ऑपरेशन हुआ। ये हुआ ऑपरेशन थिएटर के पास मैं बैठी भी हुई थी, तो मैं वहाँ सारी बातें देख भी रही थी कैसे क्या हो रहा है। तो ये सारी बातें जो वहाँ पे बैठा देते ना मदर्स को, तो वहाँ पे हम देख भी रहे थे कि कैसे क्या हो रहा है। तो वही है कि बहुत दिन बाद मैं ऐसी सोच रही थी कि देखो, मैंने ऐसा सोचा कि मैं ऐसे करवा के बच्चे को वो करूँगी, तो ही इज़ रिटर्निंग टू मी लाइक दैट, कि जो है वो ऐसे उसका हो गया। एक बार उसके हाथ में भी काफ़ी प्रॉब्लम आई, निडल घुस गई, पेंसिल की नोक जो होती है ना वो घुस गई, तो यहाँ पे भी उसका ऑपरेशन हुआ। और फिर जो है एक बार उसके यहाँ पे हाथ में जो है निडल पेंसिल की नोक जो होती है घुस गई, वो पढ़ रहा था लिख रहा था, फिर हमने उसका ऑपरेशन कराया, उसको निकलवाया तो स्टिचेस लगी। तो अक्सर ही ये ऐसा हो रहा है, तो मैं देख रही हूँ कि उसको चोट लग जाती है तो यूजली हेड पे ही आ रहा है। तो आई वॉज जस्ट कोरिलेटिंग दीज थिंग्स की भाई कैसे क्या हो रहा है, व्हाट इज़ द रीज़न। अभी जैसे मैंने आपको अपने पहले के वीडियो में बताया था कि जैसे कि मुझे सब्जी बहुत पसंद है तो वो सब्जी नहीं खाता है, जब मैंने कंप्यूटर छोड़ा तो अब वो कंप्यूटर पे ही बैठा रहता है। तो वही जस्ट आई वॉन्ट टू कोरिलेट, आई वॉन्ट टू एक्सप्लेन विद द हेल्प ऑफ दीज एग्जाम्पल, तो व्हाट इज़ द गिवन एंड द टेकन पॉलिसी, कि व्हाट यू विल गिव एंड यू विल रिसीव दैट, तो दैट इज ऑलवेज द इंटेंशन बिहाइंड दैट। तो अब यही सारी बातें होती हैं। अब जैसे कि हमने साइंस में पढ़ के रखा हुआ है कि 30 साल तक जो है आपका जो है आपको यू मस्ट मैरी, और आपको यदि 30 साल के बाद आप ऐसा करते तो कुछ जेनेटिक डिसऑर्डर आ जाते हैं बच्चों में। तो आई कम्प्लीटेड माई PhD इन वही 29 ईयर्स ये था, तो मैंने 30 साल में शादी करी, तो वही रहता है कि आवर डिसीजन इज़ लाइक दैट, कि द आवर फर्स्ट चाइल्ड शुड बी मतलब हमारा जो भी पहला बच्चा है वो ऐसे करके होना चाहिए, मतलब तो वी विल नॉट नॉट द पोस्टपोन थिंग्स, तो वी हैव प्रीवियसली डिसाइडेड दैट लाइक दैट, कि हमारा इस तरह से है। और जो है इट इज़ अ डिसीजन ऑफ ऑलवेज द हस्बैंड एंड द वाइफ, एंड इट वॉज माई डिसीजन कि जो हस्बैंड वाइफ जो आफ्टर मैरिज जो है हमारा जो फर्स्ट जो रहता है तो दैट शुड बी अवर चाइल्ड, तो इस तरह से रहता है। तो ये जो है सारी बातें भगवान अच्छे से जानते हैं, भगवान सारी बातों को समझते हैं। और जो है मैं हमेशा शंकर भगवान की पूजा करती थी,
मैंने वैभव लक्ष्मी का व्रत रखा और दुर्गा जी की पूजा करी, शंकर भगवान जी की पूजा करी। होता है मैं सोमवार का व्रत रहती थी, 16 सोमवार रहती थी, सब लोग कहते हैं सोमवार का व्रत रहिए तो आपको बहुत अच्छा हस्बैंड मिलता है, तो ये सारी बातें रहती हैं। तो भगवान जो है सारी बातें समझते हैं, जो भी हमारी परेशानी होती है उसी के अकॉर्डिंग जो है भगवान वर्क करते हैं। और आई ऑलवेज शेयर एवरीथिंग टू बाबा भोलेनाथ, मैं हमेशा उन्हीं को सब बातें बता देती हूँ, तो ही अरेंज एवरीथिंग अकॉर्डिंग टू दैट। बट जो है मुझे होता है कि हम जब छोटे होते तो हमें ज़्यादा पता नहीं होता है कि शंकर भगवान कौन है, कैसे है, क्या है, बट हमें बस थोड़ा सा पता होता है कि मंदिर है, मंदिर में पूजा करनी है, ऐसे ऐसे, तो हमें सारी बातें पता नहीं होती हैं। तो वही है कि तो गॉड अरेंजेस एवरीथिंग अकॉर्डिंग टू दैट, तो यही गिवन एंड टेकन पॉलिसी है। तो हमेशा ये देखिए कि आप दूसरों को प्यार दीजिए और दूसरे को प्रोटेक्शन दीजिए, तो यू विल आल्सो प्रोटेक्टेड बाय द गॉड लव्स एंड एनर्जी। तो हमेशा बोला जाता है कि हमेशा हमें इस तरह से प्रेयर करनी चाहिए कि आई एम प्रोटेक्टेड बाय गॉड लव्स एनर्जी एंड पावर, माई हाउस इज प्रोटेक्टेड बाय द गॉड लव्स एनर्जी पावर, माई चिल्ड्रंस आर प्रोटेक्टेड बाय द गॉड लव्स एनर्जी पावर। तो दीज आर द प्रेयर्स यू कैन डिजाइन, यू कैन कि भाई जो होता है ना, यूजली होते हैं कि दुर्गा सप्तशती पढ़ते हैं तो कहते हैं जब आप कहीं घर से बाहर निकलिए तो आप दुर्गा सप्तशती पढ़ के जाइए, तो यू विल बी प्रोटेक्टेड बाय वेरियस मीन्स। आप दुर्गा सप्तशती में आप कवच पढ़िए, कवच में हर एक अंग की सुरक्षा के बारे में बताया गया, हर एक अंग की सुरक्षा के बारे में लाइनें लिखी गई हैं। जब आप ऐसे बोलते हो तो उसमें सब जो है आपको बताया जाता है, तो किस तरह से जो है वो माँ हमें सुरक्षा देती हैं। तो ये सब बातें हैं, आप इसको एक जनरल आम भाषा में पढ़िए, आप इसको चीज़ों को समझिए, तो वही आपका हीलिंग ऑफ द माइंड है कि जो है हम एक दूसरे आत्माएं, हम एक दूसरे को देते हैं, रिसीव करते हैं, और इस तरह से हम जो है अपना कार्मिक ड्यूज जो है हमारे, हम उसको सेटल करते हैं। तो हाउ द टू पर्सन्स आर सेटलिंग द कार्मिक ड्यूज विद ईच अदर, दैट इज इम्पॉर्टेंट। तो अभी इतना ही मैं बात करूंगी, अभी नेक्स्ट मैं और आपको वीडियोस पोस्ट करूंगी हीलिंग ऑफ द माइंड विद, दिस इज लाइक ऑफ सीरीज, तो आप सारे वीडियोस को देखिए, एक कनेक्टिविटी बनाइए, तो यू विल बी एबल टू अंडरस्टैंड मोर एंड मोर। थैंक यू एवरीवन, नमस्ते एवरीवन।